बेसिकली आज की हमारी क्लास में, आज हमारा 8वां दिन है और हमारी फास्टैग बैच में हम बात कर रहे हैं कि हमने जो फॉर्मूले सीखे हैं उन फॉर्मूले की मदद से हम कैसे अपना एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। पिछले बैच में जो हमने तैयार किए थे रिपोर्ट, उसको एक बार समझा देता हूँ ताकि आपको बनाते समय कुछ ज़्यादा डाउट नहीं होगा। आपके सामने यहाँ एक डेटा है, डेटा को समझ लीजिए। एक सेल्स डेटा है कि किस डेट को किस रीजन में किस प्रोडक्ट कैटेगरी ने के किस प्रोडक्ट ने किस कस्टमर को, कस्टमर का टाइप न्यू था या रिपीट था, कितने यूनिट दिया, क्या रेवेन्यू था, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, और एग्जैक्ट प्रॉफिट के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो हमें कुछ इस तरह का रिपोर्ट बनाना था। ए फॉर्मेट हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया था और हमने बनाया भी, कुछ सिमिलर बनाया, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ए आपका स्टीमल का है, इसलिए एग्जैक्ट तो नहीं बना, लेकिन हाँ कुछ हद तक सेम सेम टू सेम बन गया। इसके लिए क्या किया कि हमने पहले वन बाय वन से यहाँ पे सबका न्यू ओल्ड सेल्स, सेल्स कैटेगरी, प्रोडक्ट सब्सक्राइबर, कस्टमर, ऐसे एक एक करके हमने अलग अलग बनाया। फिर सारे चार्ट्स को, सारे डेटास को मैंने समरी शीट पे कुलेट कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और लिंक भी है, जैसे रेवेन्यू को देखना है क्लिक करते हैं, रेवेन्यू वाले शीट पे चले जाते हैं, वापस पे क्लिक करते हैं तो समरी पा जाते हैं, रेवेन्यू समरी, रेवेन्यू समरी। इससे क्या होता है कि हम डिटेल्स भी पूरा देख पाते हैं और वापस समरी पे आके फिर हम दूसरे चार्ट्स को भी इसी तरह से करते हैं। ओके, तो ए रिपोर्ट हम बनाएंगे, इसमें हमने सम इफ और बाकी इफ वगैरह के फॉर्मूले वगैरह हम लगाए हैं, और ए फॉर्मूला हम आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक नई फाइल से शुरुआत करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये बना हुआ फाइल था तो कंफ्यूज करेगा आपको। तो हमने इसकी इसका जो है कॉपी कर लिया है, कॉपी करके एक नई शीट पे हम इसको रख देते हैं। एक नई शीट पे मैंने रख दिया, इसका नाम कर देते हैं डेटा। फाइल को भी सेव कर देते हैं, कहीं गलती से फाइल क्रैश वैश हो गया तो फिर डेटा हमारा लॉस्ट हो जाए। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सीट है, एक सीट पे हम डेली सेल्स को लेते हैं। यहाँ एक सीट इंसर्ट करते हैं, इसको हम डेली सेल्स लेते हैं, डेली सेल्स, और इसमें हम डेट, रेवेन्यू, यूनिट एंड एवरेज प्रॉफिट रखेंगे। या डेट, यूनिट, अब मुझे यहाँ पे डेट चाहिए, डेटा में जितना भी डेट चाहिए वो डेट चाहिए। देखिए तो आपके पास अगर लेटेस्ट फॉर्मूला है तो आप सिंपल सा यूनिक फॉर्मूला आप लगाएंगे। यूनिक फॉर्मूला में आप जाके सेलेक्ट कर लीजिए अपने डेटा को इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो सारे यूनिक आ जाएंगे। इसको कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दिए ताकि डेट में कन्वर्ट हो जाए। अगर आपके पास यूनिक फॉर्मूला नहीं है तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप इसको सेलेक्ट करें, आप यहाँ पे जाए पेस्ट करें, और डेटा मेनू बार के अंदर रिमूव डुप्लीकेट आता है, उसको क्लिक करके इसको आप रिमूव कर दें ताकि एक डेट मिल जाए, और फिर कॉपी पेस्ट कर लें, वैल्यू पेस्ट कीजिएगा इसको, वैल्यू पेस्ट। ठीक है, फिलहाल मैं यूनिक लेके चलता हूँ। अब मुझे यहाँ पे चाहिए रेवेन्यू की, इस डेट का, इस डेटा में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ एच कॉलम, इसकी समरी निकालनी है। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे निकालेंगे सम इफ का फॉर्मूला। सम इफ डेटा में गए, हमने सेलेक्ट किया अपना कैटेगरी रेंज को, सेल्स में आए और सेलेक्ट किया हमने अपना डेटा को, इसको मैच करना, और फिर यहाँ पे आके हम रेवेन्यू को सिलेक्ट करके ओके कर दिए, तो ये हमारे पास डेटा आ गया। और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं।
सेम यूनिट में भी हम सम इफ्स का इफ का ही फॉर्मूला लगा, सम इफ्स की जो लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास मल्टीपल कंडीशन नहीं है इसलिए सम इफ लगा रहे हैं। और सम इफ्स फॉर्मूला आपको लोअर वर्जन में नहीं है इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं। और लगाने का सेम तरीका, हम यहाँ पे यूनिट को लेके एंटर प्रेस करते हैं और इसको नीचे। अब बात आती है एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पे एवरेज इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज इफ, डेटा में जाएंगे, डेट वाले रेंज को सेलेक्ट करेंगे कॉमा, और सेल्स में आके हम डेट को सेलेक्ट करेंगे और एक कॉमा, यहाँ पे हम प्रॉफिट को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ये थोड़ा गलत है। एवरेज में हमें ये करना था कि मुझे निकालना था प्रॉफिट का एवरेज, एबीजी इस डेट को कितना एवरेज आया और निकालना था, ओवरऑल नहीं निकालना था। तो हम सबसे पहले एवरेज इफ लेंगे और एवरेज इफ में हम जाएंगे डेट को सेलेक्ट करेंगे, डेट कॉमा डेट को सेलेक्ट किया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में वापस आएंगे और हम क्राइटेरिया रेंज में अपना डेट को सिलेक्ट करेंगे कॉमा, डेटा में जाएंगे और मैं यहाँ एवरेज का जो से है प्रॉफिट परसेंटेज है उसका एवरेज निकालेंगे, सॉरी ये गलती से कर दिया, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इस एवरेज प्रॉफिट जो आया इसको मल्टीप्लाई बाय हम कर देते हैं यूनिट, रेवेन्यू था हमारा, ये तो परसेंटेज में आया ना कि इतना परसेंट परसेंटेज है, रेवेन्यू से कर। हाँ अब सही है कि 69398 का टोटल सेल था लेकिन एवरेज प्रॉफिट जो आता है इस डेट को वो आता है 24604। सिंपल सा। तो हमने क्या किया, हमने इस डेट का एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज निकाला और रेवेन्यू के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई करके पता लगा दिया कि हाँ 24601 रुपये की प्रॉफिट हुई है, ये टोटल सेल इतना हुआ है, इतना। सिंपल। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि जैसा मर्जी वैसा फॉर्मेटिंग कर लें। और आप, अच्छा हुआ कि रेवेन्यू पे आप डॉलर का साइन, इस पे जो है डॉलर का साइन लगा दे, सही रहेगा। रिस का, सॉरी रुपीज का साइन, तो मैंने भी रुपीज की साइन लगा दी, बना रुपीज का साइन। और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके हम इसको यहाँ पे देते हैं। अब इसमें चार्ट चाहिए, चार्ट मतलब कि किस डेट को कितना रेवेन्यू हुआ है। सिंपल सा रेवेन्यू और इसको दोनों को चार्ट को मुझे करना है। तो अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ इंसर्ट में हम यहाँ पे लाइन चार्ट में हम यहाँ पे आते हैं अपना एरिया चार्ट, एरिया चार्ट लेते हैं और एरिया चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्योंकि तो हमारा डेट वाइज है ना, इसलिए थोड़ा सा बड़ा रहता तो बेटर रहता। तो हम यहाँ पे बड़ा करके पूरा दिन जो दिखना चाहिए सामने कर लिया। और इसकी जो फॉर्मेटिंग है ऊपर में, ए वाली फॉर्मेटिंग बेटर रहेगी, तो हम ए वाली फॉर्मेटिंग को ले लिया इस तरह से। अब ये जो आपका अमाउंट जो है ये दिख रहा है, ये दिक्कत करेगा क्योंकि ये बड़ा अमाउंट ओवरलैप कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और चले गए हम फॉर्मेट डेटा लेवल में। यहाँ नंबर पे आए और यहाँ हमने सिंपल सा कोड डाला, एस कॉमा और के एस, एस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में के डाल दिया और इसको ऐड करते ही सब इस तरह के में आ गया, तो अब समझ में थोड़ा सा बेटर आएगा। अभी टाइटल आपका रेवेन्यू है, यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स बाय डेट,
और भी फॉर्मेटिंग करनी है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है फॉर्मेट करना। अब एक साथ मेरा क्लियर हो, एक दिन का एक डिटेल हमारे क्लियर हो गया। अब बात करते हैं न्यू ओल्ड की, एक न्यू कितना आया है, ओल्ड कितना आया है, न्यू कस्टमर कितने थे और रिपीट कस्टमर कितने थे, ये हम यहाँ पे निकाल पाए। तो यहाँ हमने यहाँ है सीट को हमने डाल दिया नाउ, और यहाँ पे हम देते हैं डेट, डेट हमने बोला न्यू रिपीट और सोल्ड सोल्ड यूनिट। अब यहाँ सबसे डेट, तो डेट को यूनिक फॉर्मूला लगा लीजिए, या फिर अब इस बार मैं यूनिक नहीं लगा रहा, कॉपी करता हूँ इसको। कॉपी करने के बाद यू नो फील्ड में जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट एज ए वैल्यू कर देता हूँ, और फिर यहाँ डेटा में आता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट, या फिर आप ये महीने का सेल है, क्योंकि एक महीने का सेल में जून का सेल रहता है, पूरा महीने का अभी यूज कर सकते थे। ये हो गया हमारा, अब इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें, या पूरा महीने का दिन आप लिख दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड। अब न्यू, न्यू के लिए हमें लगाना है काउंट करना है कि भाई, लेकिन दो कंडीशन है कि इस डेट को न्यू, तो काउंट से काम नहीं चलेगा, यहां लगाना पड़ेगा हमें काउंट इफ्स, कि काउंट इफ्स हमने डेटा में गए, हमने बोला कि डेट में जाओ और डेट में आने के बाद इस डेट को सेलेक्ट करो, फिर हमने वापस डेटा में गए और बोला रिपीट में, हमने बोला ऊपर में ये इसको सेलेक्ट करो, एंटर, ये आ गया कि 21 तारीख को न्यू कस्टमर 6 थे। अब आगे ड्रैग करने के लिए मुझे F4 कर देता हूँ और इसको भी F4 कर देता हूँ, A3, अभी जैसे ओल्ड वगैरह लगा है इसको डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो A3 का ए फ्रीज होगा और इसको भी डिलीट कर देते हैं, डिलीट करने से फॉर्मूला थोड़ा छोटा दिखता है, अला डिलीट करना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका ये 2 कर देते हैं, और हम इसको यहाँ भी रिपीट कर देते हैं और यहाँ भी रिपीट कर देते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। तो ये आ गए हम, उसके बाद मुझे चाहिए देखिए इस रेट को टोटल सोल्ड यूनिट कितना हुआ है, तो यहाँ तो सिंपली हम सम इफ का फॉर्मूला लगा के डेट के हिसाब से सम कर देंगे। सम इफ डेटा में गए, डेट वापस सीट पे आए, इसको सेलेक्ट किया और वापस हम यूनिट को सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा आ गया, और नीचे की तरफ हम इसको ड्रैग। अब यहाँ पे एक चीज और आ रहा है कि मुझे यहाँ एक और सम की चाहिए कि न्यू कितने हुए, रिपीट टोटल में ओवरऑल टोटल चाहिए होगा, रिपीट कितने हैं एंड सोल्ड, सोल्ड होना सोल्ड हो गया टोटल, और यहाँ पे जस्ट हम सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, इसको सम करके सेलेक्ट करते हैं और यहाँ भी हम सम करते हैं, सम करके इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर इसको भी सम करते हैं, सोल्ड कितना हो गया टोटल ओवरऑल, अब इसको फॉर्मेटिंग कर दीजिए थोड़ा सा। तो इसको हमने, इसमें हम ब्लैक हेडिंग सोचे हुए हैं तो ब्लैक हेडिंग डालते हैं, व्हाइट टेक्स्ट, और इसको भी सिलेक्ट करते हैं और इसका ग्रीन रखते हैं और अब मुझे डेट के हिसाब से न्यू कस्टमर ओल्ड कस्टमर चाहिए, तो मैं एक काम और करता हूँ, पेज लेआउट में जाके मैं इसकी लाइन को हटा देता हूँ और यहाँ हमने इसको ले लिया, यहाँ मर्ज कर देते हैं, मर्ज मर्ज में हम देते हैं न्यू कस्टमर सेल्स और इसको बोल्ड करते हैं और इसको थोड़ा सा सेंट्रल कर देते हैं, अंडरलाइन भी कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे चार, अब मुझे जो चार्ट बनाना है
क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलेक्ट करके नहीं बना सकता, मुझे डेट और यूनिट सोल्ड चाहिए। नहीं यूनिट सोल्ड नहीं, डेट और न्यू नहीं चाहिए, सॉरी डेट और रिपीट चाहिए होगा। इसको हम सेलेक्ट करके पहले चार्ट पे तो कर लेंगे, दूसरे चार्ट पे हमें ब्लैंक चार्ट देना होगा। इस पे भी हम लाइन चार्ट ही ले रहे हैं क्योंकि हमें फ्लो दिखाना है, तो फ्लो के लिए हमेशा लाइन चार्ट होता है। अब इसकी जो है फॉर्मेटिंग थोड़ा सा ए वाले ले लेते हैं, या नीचे भी और भी है, हाँ ये सही रहेगा। इसको थोड़ा सा आप बड़ा, अब ठीक है। और यहाँ पे न्यू कस्टमर और फिर यहाँ पे हम इसी चार्ट को नीचे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करके चार्ट को नीचे ड्रैग कीजिएगा ना तो कॉपी होता है। इसमें हम देखिए क्या अलग से भी लगा सकते थे। अब मुझे यहाँ पे बाकी चीज तो सेम है, जो यहाँ पे जो ए वाला लाइन है उसको उठा के मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो मेरा न्यू के जगह पे ओल्ड कस्टमर आ रहा। ठीक है, और इसकी फॉर्मेटिंग में अलग चाहता हूँ, तो मैं चार्ट डिजाइन में जाता हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग ए वाले ले लेता हूँ। तो आप फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, थोड़ा नीचे रखता हूँ और यहाँ पे हम ओल्ड कस्टमर का सेल्स बाय रीजन चाहिए, इस रीजन में कितना। सेल्स बाय रीजन, तो डेटा से हम रीजन को उठाते हैं जो कि हमारा एरा सिटी एक तरह से है, और रीजन को उठाने के बाद यहाँ इसको हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद मैं जाता हूँ डेटा वैलिडेशन करता हूँ, सॉरी रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ जिससे हमारे डुप्लीकेट हट जाए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक छोटा सा है कि मुझे इस पे लगाने हैं मैप चार्ट, मुझे लगाने हैं मैप चार्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले इस डेटा मेनू बार में देखिए, यहाँ पे डेटा चेंज करने का ऑप्शन है, नया एक्सेल का पार्ट है। तो जब क्लिक किया तो ये डेमोग्राफी में तो ये सिटी आ गया। अब जो जो सिटी रीड नहीं कर पाया उसमें इस तरह का लग, तो यहाँ पे हम यहाँ पे सिटी का पूरा नाम दे देते हैं, मुजफ्फरपुर। अब सर्च करते हैं, सेलेक्ट किया, जी जी है, यहाँ पे गुरुग्राम दे देते हैं। रीजन को हटा देते हैं, इसका डेटा सेलेक्टर की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि मुझे इसका रेवेन्यू चाहिए, मुझे इसका क्या चाहिए, रेवेन्यू। तो मैं रीजन को दोबारा लिखना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग, हमारे डेटा है, क्योंकि डेटा में कुछ और है और चार्ट के लिए हमने यहाँ पे कुछ और निकाला है, तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमें दो दो बार इसको रहना रखना पड़ेगा, ताकि हम इसको सही से इसका टोटलिंग कर सके। तो रेवेन्यू यूनिट एंड एवीजी प्रॉफिट,
रेवेन्यू के लिए हुए सम इफ, सम इफ में गए, डेटा में गए और हमने अपना रीजन को सिलेक्ट किया। वापस आते हैं हम यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे दिल्ली को, और फिर वापस डेटा में जाते हैं हम और सेलेक्ट करते हैं हमारा रेवेन्यू। यूनिट के लिए भी सेम सम इफ्स, सम इफ सॉरी, इसके बाद जाना है डेटा में और डेटा में हम रीजन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आना है, इस रीजन को सेलेक्ट करेंगे, वापस हमें अपना यूनिट को सेलेक्ट करना है और एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज, उसके बाद हम यहाँ पे ये करेंगे एवरेज लगाते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले बार भी किया था, रीजन कॉमा सेल्स में हमने सिटी सेलेक्ट किया और यहाँ हमने एवरेज ले लिया, प्रॉफिट एवरेज परसेंटेज में आया और इसको हमें यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि मुझे पता चल जाए कि कितना परसेंट हुआ। तो नीचे ड्रैग करना है, फिर था फिर अब इसको सेलेक्ट करके मुझे नीचे की तरफ ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद मुझे इसको बॉर्डर देना है। इस बार बॉर्डर में कुछ और चेंज करते कर देते हैं कि मुझे बॉर्डर के अंदर में डॉट लाइन चाहिए और ये मोटा वाला लाइन चाहिए सेंटर में, इस तरह से, और इसको कर देते हैं ब्लैक, व्हाइट। अब मुझे चार्ट बनाने, हम जाते हैं इंसर्ट और ये रहा हमारा मैप चार्ट, मैप चार्ट यहाँ इंसर्ट करते हैं और फिर यहाँ सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट डेटा में हम यहाँ ऐड करते हैं सीरीज नेम एंड सीरीज वैल्यू, तो रीजन और सीरीज वैल्यू एडिट, यहां पे हमारा लेवल आ गया रीजन, ओके एंड ओके। चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग है कि आपका चार्ट कैसा दिखना चाहिए, तो हम ब्लैंक ये भी ले सकते हैं, ये सही रहेगा। सर ये सेम्स पर रीजन वाला चार्ट इंसर्ट किया है सर जी, ये चार्ट कैसे इंसर्ट किया है सर? ये मैप, ये हमारा इंसर्ट के अंदर मैप चार्ट होता है, लेटेस्ट सेक्शन में, पुराने सेक्शन में नहीं मिलेगा सर। 2016 में होगा सर, 2016 ऐसा होना चाहिए ना, 2018 में तो है। अच्छा ठीक है, इस पे हमने कर दिया डेटा लेबल ऐड किया, तो डेटा लेबल में डेटा तो आना चाहिए इसको, ओके एक मिनट करता हूं मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज। प्रॉब्लम है डेटा लेवल सीरीज में आ गए, एक मिनट सेलेक्ट डेटा, ओके इसको रिमूव करना होगा। अब आए जहां जहां डेटा सेल हुआ है वो डेटा रीजन सेलेक्ट डेटा रीजन एडिट, ये आ गया ना कि कहां से कहां तक सेल हुआ है। एक मिनट ऐड करते हैं इसको एक बार और, सीरीज नेम रेवेन्यू और सीरीज वैल्यू काउंटर नेम वैल्यू कलर एंड सेकेंडरी कैटेगरी नेम, प्रॉब्लम लग रहा है कि मैं डेटा लेवल क्लिक करने के बाद यहाँ नंबर्स आ जाने चाहिए थे, जहाँ सेल्स आप देख पा रहे हैं वहाँ वहाँ हल्की हल्की बुनती है,
बेसिकली इसका स्टेट वाइज जब होता है ना तो अच्छा दिखता है इसका, और मोस्टली लोग इसमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाते हैं, कुछ इस तरह के दिखाते हैं, जहाँ जहाँ हाईलाइट है वहाँ वहाँ सेल हुआ है। अब इस पर डबल क्लिक करके हम जूम वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ से चेंज, अब इसको एक बार देखिएगा, इस पर मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है क्योंकि नए फीचर्स हैं इसके। उसके बाद हम आते हैं आगे, बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सेल्स बाई प्रोडक्ट। तो सेल्स बाई प्रोडक्ट में हम आते हैं, सबसे पहले मुझे डेटा में जाते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, सॉरी सेल्स में प्रोडक्ट कैटेगरी। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते इसको सेलेक्ट करके सबसे पहले करते हैं डेटा में जाके रिमूव। तो ये रिमूव डुप्लीकेट क्यों कर रही है, एक वैल्यू क्यों ले रहे हैं? तो यहाँ पे कैमरा 10 बार रिपीट है, तो 4 का आपको कैमरा 10 बार दिखाएगा। अच्छा, मतलब यूनिक का ही चाहिए था। ठीक है, मतलब कि यूनिक चार्ट में यूनिक ही दिखाएंगे ना आप। कैमरा इसमें आप देखिए डेटा में कैमरा कितना बार है, जो 10 बार से ऊपर होगा ना, ठीक है सर? जी सर, जी जब सर। रिपोर्ट बनाएंगे तो एक ही जगह होगा। अगर मुझे सारा कैमरा यहाँ पे कर देंगे तो फिर टोटल करने की क्या जरूरत है, तो डेटा ही है क्या? जी सर, टोटल इवेंट मोड में मैं यहाँ पे करता हूँ सम इफ, डेटा में गया, डेटा में हमने प्रोडक्ट कैटेगरी को चूज किया, वापस आए अपना प्रोडक्ट कैटेगरी चूज किए, और हम वापस डेटा में जाके अपना रेवेन्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, कितना रेवेन्यू सेल हुआ, नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। अब मुझे मार्केट शेयर चाहिए, इसने मार्केट में टोटल कितना शेयर है इसका, कैप्चर कितना है, तो इसके लिए मुझे लगाना निकालना पड़ेगा इसका टोटल। टोटल निकालने के बाद मुझे हर नंबर को इसके टोटल से डिवाइड करना ताकि मुझे इसका परसेंटेज निकल सके। अब B6 को कर देता हूँ फ्रीज और नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ परसेंटेज, और इसको अच्छे से सिलेक्ट कर लेते हैं बॉर्डर, और इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ एक ये वाला रखता हूँ। सर ये जो आप फ्रिज कर रहे हैं, हम नहीं फ्रिज करें तो क्या वैल्यू नहीं देगा? सर यहाँ पे आपके बोल्ट फिक्स है ना, अगर बोल्ट अगर मैं नीचे ड्रैग करूंगा एक ही, तब एक मुझे फ्रीज ना करेंगे तो मुझे एक ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वन बाई वन, क्योंकि जब जैसे ही ड्रैग अच्छा, करेंगे B6 B7 हो जाएगा, B7 में तो आपका 0 है, तो फिर मैनुअली चेंज करके B6 करना पड़ेगा, ठीक है? फिर इसको सेलेक्ट करते ठीक हैं, है। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, और शेयरिंग दिखाना है तो हमें शेयरिंग में हमेशा पाई चार्ट का इस्तेमाल किया है, पाई चार्ट, और पाई चार्ट की फॉर्मेटिंग थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, और इसको यहाँ रख के थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा सेल्स ऑफ शेयर ऑफ सेल्स, सॉरी शेयर ऑफ सेल्स। उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ पे टॉप 5 मेरा प्रोडक्ट चाहिए, टॉप 5, टॉप 5 प्रोडक्ट एंड टॉप 5 कस्टमर, यहाँ सॉरी टॉप 5 कस्टमर,
टॉप 5 कस्टमर कैसे निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो कस्टमर का डेटा अलग है, तो यहाँ पे हम कस्टमर नेम पे ले लेते हैं, टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी एंड प्रॉफिट, और यहाँ पे हम पहले तो अपना जो कस्टमर नेम है हमारा डेटा में आते हैं, यहाँ से कस्टमर नेम कॉपी करते हैं टॉप 5 कस्टमर में किसी एक जगह पे पेस्ट करके, और इसको रिमूव डुप्लीकेट करते हैं, आ गया डेटा मेनू बार रिमूव डुप्लीकेट। अब इस रिमूव डुप्लीकेट में एक रीजन ला दिया, ध्यान कहीं और है क्या? मैं वही वही देख रहा था सर, कस्टमर नेम है तो रीजन कहाँ से तो दिमाग में कुछ और आगे की चीजें चल रही है ना सर कि आगे और क्या करें, क्योंकि इस टॉप 5 कस्टमर में ओवरऑल कस्टमर नेम आ गया और यहाँ पे इसके टोटल निकालेंगे। अब इसके टोटल यहाँ निकालने के बाद यहाँ देंगे सम, इफ सम इफ में हम डेटा में कस्टमर का नेम सेलेक्ट करते हैं जो कि ये रहा हमारा प्रोडक्ट में आके कस्टमर नेम ये सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेम क्वांटिटी के लिए भी सेम सम इफ लगेगा। डेटा में गए हमने कस्टमर के नेम को सेलेक्ट किया, यहाँ टॉप 5 में हमने कस्टमर नेम सेलेक्ट कर लिए, और वापस डेटा में गया और हमने यूनिट को सेलेक्ट कर लिया, और प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट का क्या है, परसेंटेज है नहीं प्रॉफिट टोटल है, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट ही सबमिट कर देते हैं क्योंकि हमने प्रॉफिट का एक कॉलम बनाया हुआ है। सम इफ डेटा, डेटा में हम गए नेम को सेलेक्ट किया, वापस टॉप 5 कस्टमर में हमने पूजा को सेलेक्ट किया, वापस डेटा में हमने प्रॉफिट को सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा परफेक्ट हो गया। इसको नीचे तक हम ड्रैग करते पूरा कॉलम सेलेक्ट करते ताकि मैं फ्रीज करने का झंझट ना, अगर मैं रेंज सेलेक्ट करता तो फ्रीज करना, अब थोड़ा सा इसकी आप अपने हिसाब से जो जैसा फॉर्मेटिंग आप कर सके वैसा फॉर्मेटिंग कर ले। अब प्रॉब्लम है ये तो ओवरऑल आया, मुझे इसके अभी चाहिए ना टॉप 5 चाहिए ना, यहाँ पे हम टॉप में लिखता हूँ 1 2 3 4 5 ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं नेम और यहाँ देते हैं रेवेन्यू टोटल। तो यहाँ पे याद होगा मैंने लार्ज का फॉर्मूला बताया था, लार्ज का फॉर्मूला लगेगा और टोटल को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम नंबर दे देंगे, ए डिवाइड हो गया तो ओवरऑल सबसे टोटल आ जाएगा। अब मैं इसको डेटा को करता हूँ फ्रीज और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, तो नंबर आ गया, बट नेम कैसे आएगा इसका, इसमें जो टोटल है उसका नेम कैसे आएगा? तो नेम के लिए हम यहाँ पे मैच और इंडेक्स का फॉर्मूला अपनाएंगे, मैच हमने इसको सेलेक्ट किया या एक्स लुकअप का भी अपना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सभी के पास जो है ये नहीं है ना, तो एक्स लुकअप में एक एक्स लुकअप भी लगा देता हूँ, एक्स लुकअप हमने लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट किया और हमने टोटल में लुकअप को सेलेक्ट किया और रिजल्ट में हमने नेम को सेलेक्ट किया, ये हमारे पास नेम। और आपके पास तो ऐसा कुछ है नहीं फॉर्मूला मान लीजिए, तो आप मैच लगाएंगे पर इंडेक्स और मैच की इंडेक्स, इंडेक्स में आप सेलेक्ट करेंगे ओवरऑल डेटा, इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे मैच और बोलेंगे कि जो हमारा टोटल था उसको हमारे टोटल में मैच करो, A1 से 0 और रो नंबर हमारा 1, कॉलम नंबर 1 है, तो रो नंबर आपको मैच दे देगा, आपका नंबर मैनुअली हमने दे दिया और देखिए नेम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्स लुकअप का इस्तेमाल करें या आप इस्तेमाल करें मैच इंडेक्स का, डेटा तो आपको आना है। ये आ गए हमारे टॉप 5 कस्टमर्स, अब इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा फिल्टर कर देते हैं और इसी के ऊपर हम चार्ट लगाएंगे इसको सेलेक्ट, और चार्ट में इस बार मैं लेना चाहता हूं ये वाली चार्ट, उसका बार चार्ट, बार चार्ट ले लिया। अब मुझे टॉप 5 कस्टमर का रिपोर्ट जो है नहीं शो करना है, कोई देखे नहीं इसको,
हम क्या करें, इसको उठा रहे हैं, इसके ऊपर रख दिया, चार्ट से हमने इसको कर दिया हाइट और डेटा को थोड़ा सा कर, ये चार्ट को थोड़ा सा करता हूँ बड़ा। बड़ा करने के बाद इसकी फॉर्मेट में चार्ट के, चार्ट डिजाइन में, चार्ट डिजाइन है, जो डिजाइन आपको पसंद हो वो डिजाइन डाल, मैंने ये डिजाइन डाल दिया, आप अपने हिसाब से भी डिजाइन चूज कर सकते हो। अब इसके ऊपर मैं दो चीज कर रहा हूँ, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल में जा रहा हूँ, इसकी जो ओवरलैप गैप है ना उसको थोड़ा सा कम कर, कम करने से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ ऐड डेटा लेवल, ताकि इसके डेटा लेवल, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है टॉप 5 प्रोडक्ट, तो टॉप 5 प्रोडक्ट में इसी सीट को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, राइट। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ जो नेम है ना, बस अपना टॉप 5 प्रोडक्ट को जो है हमारे, इसको यहाँ से इसको कॉपी करना है और चला जाना है टॉप 5 कस्टमर में, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद करते हैं रिमूव डुप्लीकेट, और इसको कॉपी करके हमें यहाँ पेस्ट कर देना है, और इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ ई बाई ई बस थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करना होगा, क्योंकि हमारा टी में है हमारा प्रोडक्ट, तो जहाँ यहाँ पे ई था मतलब नेम था, उसको डी कर देना है, सिंपल सा फॉर्मूला, ई के जगह पे डी, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ भी जहां जहां ई है वहां वहां, और यहां भी जहां जहां ई है वहां वहां। सिंपल, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारा तो इसमें फॉर्मूला लगा हुआ ही है। टॉप 5 कस्टमर के जगह पे टॉप 5 प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉप 5 कस्टमर के जगह पे टॉप 5 प्रोडक्ट, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फिर छोटा 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 बड़ा ऐसे, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ है, हम टॉप पर देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए ना सर। तो इसको इस पे जो लिस्ट है उस पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और जा रहा हूँ फॉर्मेट एक्सिस, फॉर्मेट एक्सिस में एक आएगा रिवर्स कैटेगरी, कैटेगरी इन रिवर्स ऑर्डर, दिख रहा है, इस पे क्लिक करते हैं, ये आपका हो जाएगा सबसे बड़ा ऊपर, लेकिन ये जो बार है वो भी चला गया नीचे, तो इसको आप जो है टिक मार्क में लेबल्स, लेबल्स में आएगा, लेबल्स के अंदर हाई करते नीचे आ जाएगा। और ये सेम प्रोडक्ट सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पे एक चीज और देखें कि ये सेम चीज़ वहाँ पे अप्लाई करना है, तो सिंपली इसको कॉपी करें और इस पे जाएं, जाने के बाद यहाँ पेस्ट में होता है पेस्ट स्पेशल, और इसमें आता है फॉर्मेट, फॉर्मेट करके जैसे ओके करेंगे सेम फॉर्मेटिंग में यहाँ आ जाएगा, मतलब कि आपको एक ही तरह के दो चार्ट बनाने हैं तो दोनों का फॉर्मेट पेस्ट कर दीजिएगा, तो इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो हमने चार्ट पे बना लिया, अब बारी आती है हमें अपनी समरी तैयार करने की, एक नई शीट ऐड करके शीट को हम उठा के डेटा के बगल में रखते हैं, यहाँ पे समरी डैशबोर्ड जो कह लीजिए यहाँ हमें बनाना है समरी, तो समरी हमें तैयार करनी है, तो चार्ट्स हमने बना रखे हैं, बट चार्ट्स के अकॉर्डिंग समरी तैयार हमें करना है सिंपल। तो सबसे पहले तो सेलेक्ट करते हैं ऊपर हेडिंग के लिए एक लोकेशन देते हैं, क्योंकि हेडिंग जोड़ी है, यहाँ पे हम करते हैं सेल्स एनालिसिस मंथ जून 2022। अब इसको सबसे पहले तो लेफ्ट में करते हैं, बड़ा ऐसा करते हैं बोल्ड,
करते हैं, सेंट्रल ही सही रहेगा। हाँ सेंट्रल। अब यहाँ हमें सबसे पहले जो अपना टोटल रेवेन्यू है मतलब कि सेल्स पॉइंट, इसको कॉपी करते हैं और समरी शीट पे यहाँ पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट नहीं सर, कॉपी पेस्ट, और थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स दिखाने हैं, तो उसी हिसाब से हमें चार्ट की साइज को भी फिक्स करना। आई कॉलम को थोड़ा सा छोटा करते हैं। उसके बाद मुझे सेल्स, सेल्स बाय रीजन, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको छोटा करते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से होता था, ठीक रहता है ए फॉर्मेटिंग। आप सेल्स ऑफ शेयर चाहिए हमें, तो सेल्स ऑफ शेयर को लिए समरी शीट पे आते हैं और यहाँ इसको थोड़ा छोटा करते हैं, एक के लिए बॉर्डर के लिए, बॉर्डर बीच में रहे, और इसको पेस्ट करते हैं और इसको छोटा करते हैं। और चाहिए होगा जैसे कि हमें यहाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें अपना मैनुअल चार्ज इसको सेलेक्ट करके हम इसको करते हैं, इसको करते हैं यहाँ से कलर, कलर में हम लेते हैं ब्लू कलर और यहाँ हम इसको मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ देते हैं हम न्यू कस्टमर, इसको मिडल में थोड़ा करते हैं, इसको करते हैं बड़ा कलर व्हाइट। अब यहां पे हमें इसको सेलेक्ट करना होगा, अभी टोटल कितना है न्यू कस्टमर 182, तो हमारे जो न्यू ओल्ड है उसमें हम यहाँ पे न्यू में ये डालते हैं 182 और यहाँ हमें डालेंगे अपना परसेंटेज टोटल। इसमें तो टोटल हमारा यहाँ पे न्यू ओल्ड में ये रहा, इसको प्लस करेंगे तो टोटल आ जाएगा और यहाँ पे मुझे निकालना है परसेंटेज, तो 182/360 ताकि पता चल जाए कितना परसेंट। यहाँ पे हमने परसेंट का सिंबल दे दिया और ये जो टोटल है तो यहाँ पे मुझे टोटल भी लिखना है, लेकिन हमें मैनुअल नहीं लिखना है, कस्टम में जाके लिखेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा में गए, टोटल स्पेस दे दिया और हैश सेलेक्ट कर लिया, तो ये हमारा टोटल आ गया। अब इसको सेलेक्ट करके हमें करना है कलर व्हाइट और ये वाले को थोड़ा सा बड़ा करना है हमें, मीटर करके मीटर और बड़ा और बोल्ड भी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अपना चार्ट देना है जो हमने चार्ट बनाया हुआ है न्यू ओल्ड का, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम आते हैं समरी में, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं न्यू कस्टमर में। पेस्ट करने के साथ साथ क्या क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले तो इसको डिलीट करूँगा, लाइनिंग को डिलीट करूंगा, सबको डिलीट कर देना है सब, एंड बैकग्राउंड सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने कर दिया,
ठीक है, और लाइनिंग भी आ रही है आपकी, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया बॉर्डर नो लाइन, ताकि लाइन भी ना दिखे। अब ये इसको करना है थोड़ा सा छोटा, इसकी फिर इसकी जो फिल कलर है इस पे लाइट करके राइट फॉर्मेट चार्ट एरिया फिल नो, और यहाँ पे जो कलर सॉलिड लाइन आएगा, सॉलिड लाइन के अंदर जो कलर है वो कलर जो होगा व्हाइट होगा। हाँ अब बेटर दिख रहा है, ठीक है। तो न्यू कस्टमर हमने कर लिया, अब एक लाइन छोड़ता हूँ, यहाँ नीचे आता हूँ, सेलेक्ट किया था और सेम चीज को यहां पे रिपीट कर सकते हैं, मर्ज यहां पे रिपीट कर सकते हैं, रिपीट सॉरी कस्टमर, इसको भी मैं यहां पे बीच में देता हूं, इसको भी देता हूं गोल्ड, इसकी कलर व्हाइट, इसको बड़ा करता हूँ, सेम ऊपर की दो को सेलेक्ट किया, इसको पेस्ट किया, इक्वल चले गए हम ओल्ड न्यू में, और हमारा रिपीट को सेलेक्ट कर लिया। टोटल के लिए तो आप जो है इसको भी सेम लिंक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसकी कलर व्हाइट, इसकी भी कलर व्हाइट, और यहाँ परसेंटेज के लिए सिंपल इसको डिवाइड बाय, ताकि पता चल जाएगा ना कितना परसेंट हमारा न्यू था, कितना परसेंट हमारा ओल्ड था। और फिर हम डेटा ओल्ड में गए और अपनी ओल्ड कस्टमर वाले चार्ट को कॉपी किया, समरी में आए और यहाँ हमने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हमने क्या क्या रिमूव करूँगा, और इसको रिमूव करूँगा, चार्ट डिजाइन में आके फिर नॉर्मल डिजाइन लेते हैं, डिलीट, स्टूडियो एक फॉर्मेट प्लॉट, प्लॉट चार्ट एरिया, चार्ट एरिया नो लाइन, फिल कलर नो फिल, और बॉर्डर जो है सॉलिड लाइन विथ नहीं, बॉर्डर नहीं, बॉर्डर नो लाइन, सॉलिड फिल हो गया, इसको सेलेक्ट करते हैं, हाँ इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें वाइट कलर मिलेगा। अब इसको सेलेक्ट करके हम कर देते हैं छोटा, छोटा, और यहाँ पे लाते हैं अभी जो मार्कर है ना, इसके बाद ये जो मार्कर है चेन चार्ट टाइप पे जाते हैं और मार्क वाला चार्ट हटा के हम नॉर्मल चार्ट ले हैं, और प्लस माइनस में जो डेटा लेवल्स है उसको हटा देते हैं। अब परफेक्टली वर्क कर ठीक है सर। अब यहाँ एक तीसरा हम बनाएंगे और बनाएंगे प्रॉफिट शेयर का, इसको
इसको भी मर्ज कर दिए और इसको भी कस्टमर को लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन। देखिए जब चार्ट हम जब हम लोग डैशबोर्ड तैयार करते हैं तो इसी तरह से तैयार करते हैं। ये लाइन ए क्या हो गया, फ्लो दिखा रहा है, ओवरऑल तो दिखा रहा है फ्लो, आप फ्लो भी दिखा रहे हैं क्या फ्लो चल रहा है हमारे न्यू कस्टमर का हम और ओल्ड कस्टमर का। तो हर एंगल से इस चीज को सोचना होता है कि हमें दिखाना तो कैसे दिखाना। अब मान लीजिए यहाँ पे टोटल भी दिखा दिए तो टोटल के साथ साथ हमें ये भी दिखाना होगा कि हाँ कितना मार्जिन बाकी कितना है, ये चीजें भी दिखाना है। फिर ये तो टोटल नहीं दिखाना, मार्जिन में सिर्फ मार्जिन दिखाना है। तो मार्जिन के लिए हमें यहाँ पे एवरेज देना होगा, नहीं एवरेज नहीं मार्जिन, मार्जिन ये हुआ कि हमारा कितना सेल था और कितना प्रॉफिट था वो हुआ मार्जिन। तो हम यहाँ पे सम करते हैं, सम में आते हैं अपने डेली सेल्स में ही आते हैं और हम रेवेन्यू का सम करते हैं। इक्वल सम, सम में डेटा में आ जाते हैं डेटा डायरेक्ट, डेटा में हम यहाँ रेवेन्यू का सम करते हैं। तो रेवेन्यू का सम आ गया हमारा इतना रेवेन्यू था और प्रॉफिट यहाँ पे अगेन सम, सम में हम प्रॉफिट सेलेक्ट करेंगे जो प्रॉफिट हमारा है और दोनों का डिवाइड, प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू तो ये आ जाएगा परसेंटेज की 48% या 49% का हमारा रेवेन्यू हुआ है, प्रॉफिट हुआ है मतलब। अब यहाँ पे प्रॉफिट का मार्जिन कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ स्लैब में, तो इसके लिए हमें यहाँ एक लाइन चार्ट ऐड करना पड़ेगा यहाँ से लाइन चार्ट, और इस लाइन चार्ट में राइट क्लिक करके सेलेक्ट डेटा ऐड, इसमें सीरीज नेम हो जाएगा प्रॉफिट और ये आ जाएगा डेट वाइज कि कितनी प्रॉफिट हुई है हमारी, सिंपल, और कुछ सेलेक्ट वेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो सिर्फ वहां पर लाइन ही दिखाना है ना, यहां से भी सब दिखा। अब यहां से इसको अब यहां कट करके कॉपी नहीं करना है, कट करना है, समरी पर लाइए और यहां सेलेक्ट करके राइट क्लिक फॉर्मेट प्लॉट में ये चार्ट है, नो लाइन नो फिल, और लाइन को सिलेक्ट करके इसको कर दीजिए व्हाइट कलर क्योंकि यहाँ ब्लू है तो ब्लू पे व्हाइट अच्छा से दिखेगा, और इसको कर दीजिए छोटा सिंपल सा, हो गया सर। अब हमारा बात आता है कि अब हमें एक और देखना है कि हमारा ए कितना परसेंट हुआ, अब मुझे यहां पे निकालना है अपना टोटल कि टोटल हमारा कितना सेल हुआ क्वांटिटी, और हमारा टारगेट जो है टारगेट ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी में हम सम करते हैं और सम करके हम डेटा से डायरेक्ट क्वांटिटी निकाल लेते हैं कि हमें टोटल क्वांटिटी बेचा कितना, तो 373 और हमारा टारगेट था मान लीजिए 18,000 का ठीक है, तो कितना परसेंट हुआ, तो इसको डिवाइड किए इससे तो टारगेट निकल गया, टारगेट मेरा 21% टारगेट अचीव हुआ। अब इसी को मुझे चार्ट में यहाँ पे हम सिंगली सम कर लेते हैं इसको दोनों को, हालांकि जरूरत नहीं है बट चार्ट में सम करना जरूरी है क्योंकि ये दोनों का 50% और ये दोनों 50% होना चाहिए तब जाके हमारा चार्ट जो है 180 डिग्री एंगल का बनेगा, कौन सा चार्ट, डोनट चार्ट ठीक है। तो डोनट चार्ट में हम डोनट चार्ट नहीं लेते हैं, एक और चार्ट वो ले लेते हैं,
ई चार्ट बेटर रहेगा, इंसर्ट में ई चार्ट बेटर रहेगा, थोड़ा बड़ा दिख रहा है। और इसको सॉरी इंसर्ट डोनर चार्ट, सॉरी यहाँ पे स्टारबर्स चार्ट, इसको ले, इसको लिए चार्ट टाइटल की बाद में बात करते हैं। इसके राइट क्लिक करके हम आते हैं फॉर्मेट इस पे, सॉरी राइट क्लिक फॉर्मेट सीरीज चार्ट टाइप, सीरीज ऑप्शन, सीरीज ऑप्शन कुछ नहीं आ रहा है तो ये चार्ट नहीं लगाना होगा, हमें सीरीज ऑप्शन चाहिए तो हमें डोनट डोनट चार्ट ही लगाना होगा, डोनट चार्ट ही रखिए पहले, जो हम बड़ा चौड़ा कर देंगे। इसमें लाइनिंग वाइनिंग जो है इसको हटा देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आते हैं चार्ट ऑप्शंस में, एंगल दिख रहा होगा तो एंगल को 270 डिग्री करेंगे तो जो आपका 50% वाला पार्ट था वो नीचे आ गया। अब इसको थोड़ा सा ये सॉरी ये नहीं ये नहीं ये नहीं साइज साइज को कम करें इस तरह से। अब फिर नीचे वाले एरिया को लिया और चला गया फिल में और उसको कर देता हूँ नो कोई कलर, इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के सॉलिड फिल और इसमें दे देता हूँ हल्का ग्रे, इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसकी भी सॉलिड फिल में इसमें दे देता हूँ ब्लैक। अब टाइटल चाहिए तो टाइटल में यहाँ आपको दिख रहा होगा जब सेलेक्ट करते हैं किसी समरी को तो यहाँ एक कॉमा दिख रहा है, इस कॉमा में इसी 20% को लेके एंटर करते हैं तो ये आ गया आपका टारगेट इतना अचीव हुआ है। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसकी बैकग्राउंड वगैरह चेंज करनी है, जैसे कि मैं इसकी बैकग्राउंड कलर जो है फिल कलर सॉलिड फिल में हल्का ग्रे देना चाहता हूँ, ये वाला ये सही है बेटर दिख रहा है। अभी लाइनिंग दिख गई क्योंकि हमने इसकी लाइनिंग हटाई नहीं थी, इसलिए नो लाइन कर दीजिए ताकि लाइनिंग ना दिखे। अब इसको थोड़ा सा छोटा यहाँ पे इसको रखते हैं और इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये जो आपका है ना था छोटा दिख रहा है ना, तो सेलेक्ट करके इसको ऊपर की तरफ बढ़ा, ये सही अब बेटर लग रहा है। अब मेरा लगभग मेरा बन चुका है। अब जैसे टॉप कस्टमर का चार्ट है उसको यहाँ से उठाना है, समरी पे ले जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ इसको कोई भी साइलेंट फॉर्मेट डेटा लेबल नंबर और इसमें कर दीजिए कोड में एक्स कॉमा, टॉप फाइव प्रोडक्ट उठाइए, अच्छा कॉपी
जस्ट यहाँ पे समरी और यहाँ पे इसका इसको छोटा करते हैं। डेटा विजुअल है इसको कॉपी कीजिए इसी के ऊपर इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल जो कर दीजिए फॉर्मेट टोटल रेवेन्यू के जगह पे टॉप फाइव प्रोडक्ट अब सही है। अब ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास जो एक्स्ट्रा ये जो कॉलम बचे हुए हैं इसको हमें करना है सिलेक्ट और कर देना है हाइड। नीचे भी जो एक्स्ट्रा रो बचा है उसको सेलेक्ट करना है राइट क्लिक के कर देना है हाइड। हाइड हो गया। उसके बाद फॉर्मूला में जाइए और यहां से गियर लाइन को हटा दीजिए ताकि गियर लाइन हट जाए और इस तरह से। अब बारी आती है लिंक करना। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ इंसर्ट में आपको दिखेगा लिंक इंसर्ट लिंक और इसको मुझे पहले इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और डी सेल से करना है। किसे करना है? डी सेल से। उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं इसको और लिंक न्यू लिंक और इसको सेलेक्ट करना है मुझे सेल्स वाइज रीजन से और इसको सेलेक्ट करते हैं और लिंक इंसर्ट लिंक और सेल्स वाइज प्रोडक्ट नहीं हाँ सेल्स वाइज प्रोडक्ट कैटेगरी है प्रोडक्ट इस पर करना है। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं राइट क्लिक और राइट क्लिक करके नहीं होगा यहाँ से लिंक करूँगा लिंक टॉप फाइव कस्टमर इसको सिलेक्ट करना है टॉप फाइव प्रोडक्ट इसको सेलेक्ट करना है और करना है लिंक ये पूरा सेलेक्ट करना होगा इस तरह से लिंक और इसमें हमें करना है सेल्स बाय ओल्ड न्यू और ये रहा हमारा इसको सेलेक्ट करके सेम पूरा चार्ट सेलेक्ट करना होता है करना इंसर्ट लिंक और ओल्ड न्यू ए एन के जगह पे मैं ए 15 कर देता हूँ इसको ये नीचे आएगा मार्जिन का कुछ सीट है नहीं तो छोड़ देता हूँ। अब इस पे अब हो गई मेरी चेहरा। अब इस पे जैसे क्लिक करूँगा चला जाऊँगा इसमें। अब इसको राइट क्लिक करके आता हूँ राइट क्लिक नहीं यहाँ पे लिंक लिंक जब पूरा चार्ट सेलेक्ट करते हैं तब लिंक वर्क करता है न्यू लिंक और यहाँ पे समरी और पेज लेआउट में आता हूं मैं और इसकी ग्रिड लाइन ग्रिड लाइन हटा दिया। फिर न्यू ओल्ड कस्टमर में इसको सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट करने के बाद मैं चला जाता हूं इंसर्ट में लिंक और इसकी समरी शीट से लिंक कर देता हूं। इसको भी सेलेक्ट किया लिंक और इसको भी समरी शीट से लिंक कर दिया। रीजन में आते हैं इसको भी सिलेक्ट किया और लिंक इंसर्ट लिंक समरी शीट इसको इस तरह का नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा है। इसका चार्ट डिजाइन ऊपर में डिजाइन में ये वाला डिजाइन ये वाला थोड़ा बेटर है इसको वहाँ ये हमारा इस पे आते हैं सेल्स वाइज इसमें और इसको भी सेलेक्ट करते हैं पहले पेज लेआउट इंसर्ट इंसर्ट लाइन
समरी को लिंक कर दिए, इंटरलिंक कर देते हैं दोनों, और गेट लाइन हटा दीजिए इसमें का अगर जरूरत है तो, यहाँ हटा दिया मैंने। ओके टॉप फाइव कस्टमर सेम, पहले गेट लाइन हटा देता हूँ, फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर जाता हूँ इंसर्ट में, फिर जाता हूँ न्यू इंसर्ट लिंक टॉप फाइव कस्टमर समरी समरी। हाँ कुछ बोल रहे हैं सर, ये हमारा डैशबोर्ड बन गया जिसमें हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपके सामने रिपोर्ट बनाया। अब देखिए इस पे और ज्यादा और भी कॉम्प्लिकेटेड और भी डायनेमिक और भी चीजें बन सकती है, लेकिन इसके लिए आपको अपना एक्सेल को करना होगा तगड़ा, ठीक है ना। हमारी डैशबोर्ड की एक अलग क्लास है जिसमें 25 ऐसे डैशबोर्ड हम बनाना सिखाते हैं कि इस तरह के 25 डैशबोर्ड आप कैसे बना सकते हैं। देखिए ये हमारा डैशबोर्ड बन गया, हम अपने डेटा को एनालिसिस किए, हमने सेल्स बाय डे निकाला कि पर डे का सेल्स कितना आ रहा है रेवेन्यूज में, हमने यहाँ पे अपना रीजन सेलेक्ट किया, हमने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट अपनी कैटेगरी का शेयर किया, हमारा प्रोडक्ट किस कहाँ कहाँ क्या मार्केट शेयर कितना है, मतलब कंप्यूटर का 16% शेयर है, टीवी होम्स का 18% है, कैमरा का 33% है, सेल्स फोन का भी 33% है। उसके बाद हमने देखा कि न्यू कस्टमर कितने आए, 51% न्यू कस्टमर आए हैं जो कि सर 282 काउंट है, टोटल 360 कस्टमर मेरे पास नए आए हैं जून में, और ये इनका केस फ्लो हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कस्टमर वाले शीट पे चला जाऊंगा जहां डिटेल्स में पर डे के हिसाब से कस्टमर की लिस्ट मिल जाएगी ओल्ड और पुराने की। तो यहाँ पे एक तरह से सही तरीके से हो रहा है, मार्जिन भी है, ये हमारा कितना परसेंट टारगेट अचीव हुआ है वो हो गया, टॉप फाइव कस्टमर कौन कौन से है, टॉप फाइव प्रोडक्ट कौन कौन से, ये यहाँ पे दिख गया सिंपल। ये पूरा ये समरी वाला कैसे लिंक किया सर आपने, क्या समरी वाला मतलब जो समरी में जो चार्ट बने हैं वो शीट से कैसे लिंक किया सर आपने, अगर सब बताएंगे सर जैसे राइट क्लिक करके। हाँ ये तो आपने बता दिया, नहीं हमने जो सीट बस राइट ये इंसर्ट में होता है, बस इंसर्ट से लिंक किया। अच्छा ठीक है ना, हाइपरलिंक लगाया सर, हाइपरलिंक ठीक है सर, हाइपरलिंक लगाया आपने, जी हाइपरलिंक लिंक आता है ऊपर इंसर्ट पे लिंक। ओके सर तो आज ऑलरेडी हम 15 मिनट आगे निकल गए हैं, 8 बजे वाली बैच मुझे फोन कर रही है, तो हम मिलते हैं कल की क्लास में, कल हम बात करेंगे इसी तरह के डैशबोर्ड पावर बीआई पे कैसे बनाएं। तो यहाँ एक्सेल का चैप्टर